नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। हरित ग्रुप ऑफ कंपनी डिजिटल सोलर इंडिया लाई है आपके लिए रोजगार का शानदार मौका। कंपनी को जिलों में चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर और न्याय पंचायत कोऑर्डिनेटर। इसके साथ ही किसानों के लिए भी आया बम्पर ऑफर। कंपनी का स्मार्ट कार्ड बनवाने पर खाद से लेकर कृषि उपकरणों तक मिलेगी 50% तक की सब्सिडी और आसान किश्तों में मिलेगा सोलर पैनल। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है दुर्गापुर बाजार, मनसा कोल्ड स्टोरेज के पास, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे, अमेठी। सुल्तानपुर में बल्दीराय तहसील क्षेत्र के सरैया माफी गांव में रहने वाले शिवाकांत पांडे को CISF में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर चुना गया है, जिससे पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। सुल्तानपुर में जल जीवन मिशन के तहत एक दिवसीय संवेदीकरण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का सांसद मेनका गांधी ने शुभारंभ किया। इसमें MLC शैलेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अमेठी के मुंशीगंज थाने में धरने पर बैठे BJP कार्यकर्ताओं से कोतवाल ने माफी मांगी, इसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। अमेठी में हल्की बरसात से ही मोहना पश्चिम के लाला का पूर्वा सड़क पर जलभराव हो गया है, इससे इलाकाई लोगों को संक्रमण का खतरा सताने लगा है। अमेठी में तहसील सभागार तिलोई में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और SP खुद मौजूद रहे। अमेठी में जगदीशपुर के रामलीला मैदान में भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी ने महिलाओं की गोद भराई की, इससे महिलाओं के चेहरे खिल उठे। अमेठी में जगदीशपुर के रामलीला मैदान से पोषण उत्सव के मौके पर BJP जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी के नेतृत्व में जागरूकता स्कूटी रैली निकाली गई। बहराइच में स्कूल चलो अभियान के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और SP प्रशांत वर्मा की मौजूदगी में छात्रों की जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली पूरे जिले में लोगों को जागरूक करेगी। बहराइच के रिसिया नगर से धूमधाम के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। यहां लोगों ने नम आंखों के साथ विश्राम घाट पर मूर्तियों को विसर्जित किया। अयोध्या के राजघाट बंदा पर स्थित बाबा अभिराम दास वेद वेदांत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम केंद्र पर सोम यज्ञ के लिए ध्वजा फहराई गई। इस मौके पर जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य स्वामी विद्या भास्कर भी मौजूद रहे। बाराबंकी में अपर जिलाधिकारी रहे राकेश सिंह का रायबरेली तबादला कर दिया गया, तो वहीं वरिष्ठ PCS अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण में OSD रहे अरुण सिंह अपर जिलाधिकारी बनाए गए। लखीमपुर खीरी में DM महेंद्र बहादुर सिंह ने पारदर्शी खरीद व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए सभी SDM को गेहूं खरीद के सत्यापन के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही साथ मानकों को ना मानने पर कार्रवाई की बात भी कही। लखीमपुर खीरी में थाना ईसानगर के ग्राम पलिया में रहने वाले संजय कुमार ने SP से फरियाद की। उनकी मांग है कि पट्टे की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोक दिया जाए। लखीमपुर खीरी पहुंचे ADG लखनऊ जोन पीयूष मोरडिया ने टेंट हाउस DJ संचालक और मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में तय किया गया कि किसी भी हाल में सड़कों पर टेंट नहीं लगाया जाएगा। लखीमपुर खीरी में कलेक्ट्रेट से स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आगाज हुआ। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मौजूद रहे। जौनपुर में कन्या पाठशाला उच्च प्राथमिक विद्यालय शेख ज़ादा की राकत में बच्चों को निःशुल्क किताबें बांटी गयी। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका गीता यादव भी मौजूद रहीं। जौनपुर के नगर पंचायत के राकत के कस्बा निवासी विनोद कुमार कनौजी और अनिल सोनकर ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट को सुरक्षित कराने की मांग की। जौनपुर के भगवंत इंटरमीडिएट कॉलेज अमिहित में ओम प्रकाश सिंह ने प्रधानाचार्य का पदभार संभाला। इस दौरान सभी शिक्षकों ने प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह को बधाई दी। बरेली में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं भारी ओलावृष्टि से फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। रामपुर में SP अशोक कुमार शुक्ला ने थाना पटवई में बने नवनिर्मित टीन शेड का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर CO शाहबाद कीर्ति निधि आनंद और CO मिलक रवि खोखर भी मौजूद रहे। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।